हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ की एक और नई भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने अप्रेंटिस के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। इस वीडियो को एंड तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी और आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनी के 150 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 21 मार्च 2024 से 9 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। यहां पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 9,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,000 और आईटीआई अप्रेंटिस को 7,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10वीं पास आईटीआई डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा आपकी 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। फीस आपको कैटेगरी वाइज जमा करानी होगी। जनरल ओबीसी को 100 रुपये, एससी एसटी को कोई फीस जमा नहीं करानी है। सिलेक्शन यहां पर आपका एकेडमिक मेरिट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है drdo.gov.in। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस डिसिप्लिन में, क्या आपकी आयु सीमा होनी चाहिए और क्या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। ऐसे ही यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा एंड अप्रेंटिस ट्रेनी और आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनी की डिटेल आपको 1x1 करके प्रोवाइड कराई गई है। आपको सभी डिटेल्स 1x1 करके केयरफुली रीड आउट करनी है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डीआरडीओ का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करना है और अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते हुए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी, उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी होगी, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, ऐसे आप डीआरडीओ की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।